हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सेफ ट्रेडिंग डॉट इन। और मैं मोहित गुप्ता हूँ, आप ही की तरह एक नॉर्मल M6 कमोडिटी ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है, तो आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, आज का टॉपिक है ऑल ओवर इंडिया फेमस सोनम गुप्ता। ना ना, इट्स ओके, मजाक कर रहा था ना। सो आज का टॉपिक है कि इंट्राडे में मोस्टली जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनका एक क्वेश्चन रहता है कि वो सॉफ्टवेयर भी ले लेते हैं, सॉफ्टवेयर में अपना चार्ट भी डाल लेते हैं, खरीद के लाते हैं, खुद से बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब वो लोग चार्ट को डाल तो देते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, लेकिन उस चार्ट को हम कौन से टाइम फ्रेम पे चलाएं, कौन सा टाइम फ्रेम ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि टाइम फ्रेम का काम क्या है। ठीक है, टाइम फ्रेम का एक ही काम नहीं, एक काम नहीं है, टाइम फ्रेम का मेन काम है कि श्योरिटी बढ़ाता है। कौन सा टाइम फ्रेम ले ताकि अगर वो हमें बाय या सेल करवाता है तो उधर से हमें थोड़ा सा प्रॉफिट उसी साइड में मिलेगा। मतलब अगर हमारा 1 आवर, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम हमें बोल रहा है सेल करवाओ, तो उधर से हमें 20-25 पॉइंट क्रूड ऑयल में मिलना चाहिए। तो वो श्योरिटी हमें कैसे पता चलता है? एक मेन पॉइंट मैं बता दूँ, एक बात बता दूँ, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी रहती है, खुद की एक्सपीरियंस रहती है और खुद का एक्सपेरिमेंट रहता है। मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करता कि यही चीज़ सही है, आपका भी चीज़ सही हो सकता है, लेकिन ये मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी है, इस पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं अपना सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ। ये है GCIMT4 का प्लेटफॉर्म, इसमें ये सॉफ्टवेयर इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ। दो इंडिकेटर्स से आपको दिख रहे हैं, ये ऊपर का है और ये नीचे का, दो इंडिकेटर्स है। ये एक बार है यहाँ पे जो जो दो इंडिकेटर्स को डिवाइड करता है। तो बेस्ट टाइम फ्रेम मेरे हिसाब से क्या है? नंबर वन, श्योरिटी के लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम मेरा मानना है। ठीक है, लेकिन इसके साथ 30 मिनट्स और 50 मिनट्स का, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। इन तीन टाइम फ्रेम के बिना मैं काम नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल गोल्ड का चार्ट खुल रहा है, मैं क्रूड ऑयल का बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मोस्टली मेरे पास क्रूड ऑयल के ट्रेडर्स आते हैं। चलो, तो टाइम फ्रेम हम देखें कैसे, क्या करें सर? हम सेल करते हैं लेकिन वहाँ से मार्केट पलट जाता है, यही सब आपको पता है ऑब्वियसली क्या क्या होता है। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि हम टाइम फ्रेम को देखें कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना चार्ट को 1 आवर पे क्लिक करना है। 1 आवर पे क्लिक किया, अब आपको यहाँ पे, अब एक चीज़ है, ये चीज़ उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जिन्होंने मेरे से डेमो लिया है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, मैं अब डेमो तो नहीं सिखा पाऊँगा, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँगा। यहाँ पे आप मेरे कर्सर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ये ब्लू लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, ये ब्लू लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और नीचे वाले चार्ट में भी ये ब्लू लाइन और रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर पहले हम देखते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है, इसमें हम देखते हैं हमारा क्रूड ऑयल कौन से ट्रेंड में चल रहा है। एक चीज़ और, मैंने जैसे बोला कि ये चीज़ उनको ही समझ में आएगी जिन्होंने डेमो लिया है। इन इंग्लिश, दोज हु हैव टेकन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, दिस थिंग विल बी अंडरस्टूड बाई देम ओनली। ओके, सो अब मैं बोलता हूँ आगे, देखो सपोज अभी हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा चार्ट यहाँ पे चल रहा है, सपोज यहाँ ग्रीन कैंडल्स में चल रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं। इसके पीछे का जितना भी पार्ट है अभी नहीं है, इमेजिन करो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स चल रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल्स जब चल रहे हैं, अब आपको देखना है, थोड़ी देर बाद आप देखते हो, आपको इंतज़ार करना है मार्केट कब रिवर्स हो रहा है, मार्केट कभी रिवर्स हो रहा है। ऑब्वियसली हम चार्ट की यूज़ कर रहे हैं तो हम रिवर्स ट्रेंड का ऑब्वियसली हम इसे इंतज़ार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चार्ट है, सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड चेंज होता है। तो सबसे पहले जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल, मतलब कि ये ग्रीन कैंडल्स चल रहे हैं और मार्केट जब रिवर्स होता है तो रेड कैंडल आके ये वाइट जो कैंडल होता है ब्लू लाइन के नीचे आ जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये इधर भी हो रखा है, इधर भी हो रखा है, लेकिन ये अभी यहाँ पे जो कैंडल्स हैं वो ग्रीन है। ठीक है, लेकिन जब कैंडल्स अच्छे से रेड हो जाते हैं और जब ये व्हाइट कैंडल्स ब्लू लाइन को क्रॉस कर देता है तो हमें ये लगता है कि अब क्रूड ऑयल नीचे जाएगा। ठीक है, ऐसा हमारा मानना होता है, लेकिन नहीं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि ये ऊपर भी जा सकता, मतलब कुछ भी हो सकता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम कोई ज़्यादा श्योरिटी हमें नहीं देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, चलो अभी इधर आ गया, 15 मिनट्स का चार्ट में एक कैंडल गिर गया, अब दूसरा कैंडल भी गिर जाएगा जब भी, तो हम क्या करते हैं, 30 मिनट्स का चार्ट देखते हैं हम। ठीक है, 30 मिनट्स का जब हम चार्ट देखेंगे, अब वो सीन कहाँ गया नहीं मालूम, एक शायद इधर ही कहीं सिखा रहा था, हाँ ये रहा। तो 30 मिनट्स में भी हमें देखना है कि 30 मिनट्स में भी अगर हम सेल करते हैं तो उस जो ये वाइट कैंडल है इसको रिवर्स ट्रेंड में आने के बाद
एक रेड लाइन, आई मीन रेड कैंडल्स के आने के बाद ये ब्लू लाइन को भी क्रॉस किया हुआ होना चाहिए, मतलब 30 मिनट्स में भी इसको जो है ब्लू लाइन के नीचे आना चाहिए। 15 मिनट्स में तो वो आ ही चुका है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, 30 मिनट, कभी कभी नहीं, मोस्टली 99% बार ऐसे ही होता है, लेकिन वो बाई ट्रेन में ही चल रहा होता है। 15 मिनट्स में सेल में आ गया रहेगा, 30 मिनट में बाई में ही रहेगा, लेकिन हम कुछ देर बाद अगर इंतज़ार करते हैं और 30 मिनट्स के बाद में भी वो अगर ब्लू लाइन के नीचे आ जाता है, तो हमें ये समझ में आता है कि हाँ अब कहीं ना कहीं यहाँ से ये डाउन जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ से ये डाउन जाएगा, अगर तो यहाँ से श्योरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, कि हाँ 15 मिनट्स में तो ये सेल में चल रहा है, 15 मिनट्स को कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। अच्छा मतलब कि थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट के लिए अगर काम कर रहे हैं तो वैल्यू इसलिए देना चाहिए ताकि हमें पहचान में आ जाए कि हाँ अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। 30 मिनट्स में हम आ गए, 30 मिनट्स में उसका जब ट्रेंड ब्लू लाइन, आई मीन कि बाई में चल रहा था, और ब्लू लाइन के नीचे जब वो आ जाएगा तो ही हम समझेंगे कि हाँ चलो अब यहाँ से, अगर हम से, मतलब कि अगर आपका 10 मेगा, आई मीन 10 मिनी क्रूड ऑयल का कैपेसिटी है, तो आप अभी 5 मिनी सेल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका ये काम है। अब हम देखेंगे कि हमारे 1 आवर की कैंडल में, चार्ट में हमें अपने 1 आवर में हमारा चार्ट को लगाना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ग्रीन कैंडल तो चल ही रहा था, लेकिन 1 आवर में भी जब वो कैंडल क्रॉस कर जाएगा तो आप मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा श्योर रहते हैं। ठीक है, एकदम से श्योर है कि आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे एंट्री लेके काम करिए, आपको श्योरली प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। मार्केट खुलने के बाद सुबह 10 बजे जब मार्केट खुलता है, तो सबसे पहला रिवर्स ट्रेंड में ही ये चीज़ एप्लीकेबल है। ये चीज़ इवनिंग सेशन में अप्लाई नहीं हो सकता, शाम को 6 बजे के बाद ये मेरा जो स्ट्रेटेजी है ये फेल हो जाएगा। ठीक है, सुबह में ट्रेडिंग करना है तो ये काम करेगा, 10 बजे के बाद का आपका पहला जो ट्रेडिंग होता है उसमें ये काम आता है। ठीक है, सबसे पहला ट्रेडिंग होना चाहिए, उसी में ये काम आएगा आपका। ये चीज़ें मैंने बता दी। अब आप सपोज एग्जांपल लेते हो कि शाम के टाइम पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, शाम के टाइम ट्रेड कर रहे हो और इस चीज़ का आप इंतज़ार करोगे तो ये मिलना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मोस्टली मोस्टली मैं बताता हूँ, मोस्टली यू टर्न स्ट्रैटेजी जिसने देखा है उसको ये बात समझ में आएगी। जब मार्केट अगला, सपोज आज मार्केट जो भी बंद हुआ, कल क्या होता है, मार्केट कैसे ओपन होता है, या तो वो ऊपर खुलता है, या तो वो नीचे खुलता है, या तो फ्लैट खुलता है। ठीक है, तो वहाँ पे यू टर्न स्ट्रैटेजी तो आपका काम आता ही आता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे उधर मैंने क्या सिखाया था, 15 से 20 पॉइंट्स के लिए अगर आपको काम करना है तो ही वो एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन अगर आप 30 35 पॉइंट्स के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ भी अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लेते हैं, मार्केट यहाँ से सेल में चल रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे सेल में चल रहा है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 15 मिनट्स का, पहले हमें 15 मिनट्स के लिए देखना है कि ट्रेंड कब थोड़ा सा बदलाव लेता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, हाँ सपोज यहाँ पे सेल में, एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे सेल में चल रहा है। ठीक है, अब मार्केट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो ये कैंडल ब्लू लाइन की, देखो ब्लू लाइन एक बीच का समझो जो कि ट्रेंड चेंज होने का इंडिकेशन देता है। ग्रीन कैंडल तो पहले भी आ जाता है, लेकिन ये जो व्हाइट और ब्लैक कैंडल्स है ना, इनको रिवर्स होना है। अब देखो यहाँ पे ब्लैक कैंडल जो है, जो व्हाइट बॉर्डर है, ये ब्लू के ऊपर चला गया। इधर से हम समझेंगे कि अब हमें क्रूड को बाय करने का चांसेस है, लेकिन अभी करेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, 30 मिनट्स के चार्ट को लगाएंगे। अब 30 मिनट्स में हम इंतज़ार करेंगे, ये बहुत बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ मैं, इस पर आप ध्यान देंगे, आपको उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी, टाइम फ्रेम होता क्या, टाइम फ्रेम को देखना कैसे है। ठीक है, तो फिर 30 मिनट्स में भी, अब देखेंगे 30 मिनट्स में जो है ये कैंडल इसके बाद ऊपर आया है। अब मैंने क्या बोला था, अगर आपका 10 मिनी का कैपेसिटी है तो पहले 5 या 7 मिनी आप पहले बाई कर सकते हैं, फिर 5 थोड़ा बाई किया, उसके बाद देखा 1 आवर में भी अगर ये क्रॉस कर जाता है तो आप डेफिनेटली अपना फुल 1 मिनी मेगा क्रूड ऑयल को बाई कर सकते हैं, और अपना जो भी 35 पॉइंट्स का टारगेट है उसको आप डाल के रखिए। मोस्ट प्रोबेबली मेरा मानना है आपको मिल जाएगा वो प्रॉफिट, लेकिन उस चीज़ की गारंटी कि लाइक कितनी देर में वो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, ये क्वेश्चन रहता है। आधा घंटे में नहीं, 1 घंटे में नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, 3 4 घंटे तक, सॉरी 3 4 घंटे तक इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा आपको, सॉरी सॉरी। ठीक है, अब जैसे आपने 12 बजे एंट्री लिया है तो 2 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे, 3 बज सकता है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइम इस तरह से आपको ट्रेडिंग करना है। टाइम फ्रेम का ज़रूरत, लोग कहते हैं ना कि मैं तो 1 आवर का टाइम फ्रेम देखता हूँ, मेरे लिए 1 आवर का सूटेबल है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से
कोई भी आदमी अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम देखता है तो वो अपनी या तो सीक्रेट नहीं बताता है या फिर उसको देखने नहीं आता है। उसको 30 मिनट्स और 15 मिनट्स का चार्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है। मैं सिंपली ब्रीफली बता देता हूँ सिंपल तरीके से। 15 मिनट का चार्ट आपको जो है बताता है कि अब हमारा इंडिकेशन चेंज हो रहा है, रिवर्स हो सकता है मार्केट। 30 मिनट्स में आएगा तो हाँ चेंज हो चुका है, ठीक है, लेकिन फुल प्रॉफिट फुल लॉट अपना एक साथ में नहीं डालेंगे। फिर हम 1 आवर में भी देखते हैं तो वो हो जाना चाहिए। अब मैं थोड़ी सी और अगला स्टेप में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो नीचे का इंडिकेटर है ना, मैं बताता हूँ, 30 मिनट्स में भी आपको जो 5 मिनी आप बाय या सेल करते हो, वो अगर वो करना है तो कब करना है? अगर नीचे वाला भी अगर ये ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करेगा तो ही हम अपना मिनी वाला बाय करेंगे, मतलब आधा तभी बाय करेंगे। नहीं तो अगर 1 आवर में ये टाइम फ्रेम चेंज होता है तो ही ये जाके नीचे वाला भी चेंज होगा। उस टाइम आपको श्योर है कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है, 99%, नॉट 100%, 99% है कि ये ऊपर जाएगा, तब जाके आप अपना फुल लॉट बाय कर सकते हैं। देखो रिपीट कर देता हूँ, कई बार रिपीट कर रहा हो सके मेरा एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम आपको समझ में ना आता हो, रिपीट कर देता हूँ। 15 मिनट्स में तो आपको देखना है कि ट्रेंड कभी चेंज हो रहा है, ठीक है, सिंपल। 30 मिनट्स में आपको ये देखना है कि ये ब्लू लाइन के ऊपर क्रॉस हुआ कि नहीं। अगर हुआ है तो आप हाफ लॉट जितना भी कैपेसिटी हाफ बाय कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं आप इंतज़ार करेंगे कब तक, हाँ सॉरी, तभी बाय करेंगे अगर ये ब्लू लाइन इसको क्रॉस कर देगा तो। रेड लाइन एज अ बॉर्डर समझिए, ब्लू लाइन इसके ऊपर चला जाएगा तो ही हम 30 मिनट्स वाले में भी हाफ बाय करेंगे, नहीं तो वो हाफ भी हम अभी बाय नहीं करेंगे। फिर जब 1 आवर में देखते हैं ना तो ही हम ज़्यादा बाय करेंगे, देखो हाँ, तो ही हम अपना पूरा लॉट बाय करेंगे। अब इसमें आपको करना क्या है, पेशेंस रखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर थोड़ा श्योरिटी आप ले रहे हो तो, मतलब मार्केट का थोड़ा 1 आवर का चार्ट भी तो 1 आवर का है, ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना है, ध्यान भी देना है मार्केट में, और गड़बड़ी नहीं करना है, और कुछ भी जैसे कि एक लॉट के बदले 2 लॉट नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है, आराम से ट्रेडिंग करना है और टाइम देना है मार्केट। पहले ही सोच के बैठना है कि मैं 4 घंटा मेरे को लगेगा प्रॉफिट बुक करने में। और हाँ रिपीट करता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस, मार्केट खुलने के बाद सबसे पहला जब ट्रेंड चेंज होता है तभी ये एप्लीकेबल है, सेकेंड ये इवनिंग सेशन में ये यूजलेस है, क्लियरली बोलता हूँ ये यूजलेस है, ठीक है। बस इतना ही और कुछ भी नहीं। चलिए अभी मैं मेरा बात ख़त्म हो गया। एंड हाँ, अगर किसी को पता चलेगा सोनम गुप्ता कौन है तो वो ज़रूर से मुझे बता दे, ठीक है। चलो हैव अ नाइस टाइम, डू अ सेफ ट्रेडिंग, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करते रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं आप। ओके, दिस इज़ मोहित गुप्ता साइनिंग ऑफ, टेक केयर।